गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी मामा अर्थ के न्यूली लॉन्च चारकोल फेस स्क्रब का, जो कि इस टाइप के पैकेजिंग में आता है। इस टाइप के ट्यूब पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ। सो बेसिकली जो स्क्रब्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में, जो आपके स्किन पे जो डेड सेल है उसको रिमूव करता है, डर्ट को ये रिमूव करता है, प्लस ऑयल एंड ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी रिमूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो मामा अर्थ के चारकोल फेस स्क्रब में इन्होंने जो की इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो है चारकोल एंड वॉलनट, जो हेल्प करता है डीप एक्सफोलिएशन करने में। ये जो प्रोडक्ट है ये पैराबेन एंड एसएलएस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड नॉर्मल एंड ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, आपके स्किन से जितने भी डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करेगा एंड स्किन से सारी इम्प्योरिटीज़ वो रिमूव करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस इन्होंने यूज़ नहीं किए हैं। ये आपके स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। जो की इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताया चारकोल एंड इन्होंने यूज़ किया है वॉलनट्स बीड्स, इसके अलावा इन्होंने यूज़ किया है कॉफ़ी एंड एक्टिवेटेड चारकोल। जो कॉफ़ी एंड जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, आपका अगर स्किन क्लॉग हो गया है उसको अनक्लॉग करने में ये हेल्प करता है। प्लस इन्होंने यूज़ किया है वॉलनट पार्टिकल्स या वॉलनट बीज इन्होंने यूज़ किया है, जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो आपके डेड स्किन है उसको रिमूव करता है वॉलनट बीड्स। प्लस इन्होंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा जेल है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शेडोवुड लाइट काउलिन एंड टी ट्री ऑयल इन्होंने यूज़ किया है, जो हेल्प करता है आपके स्किन से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। प्लस अगर आपके स्किन में पिंपल्स होते हैं तो उसको भी ये ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज जो टी ट्री ऑयल है ये एक एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट है। जब आप इसको किसी भी प्रोडक्ट में आप के साथ इसमें यूज़ करते हो तो आपके स्किन से जितना भी जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में हेल्प करता है, प्लस जो ऑयल एक्सेसिव ऑयल अगर आपकी स्किन से सिक्रीट होता है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। जो नियासिनामाइड इन्होंने यूज़ किया है अपने फेस स्क्रब में, ये हेल्प करता है आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में, ऑयल सिक्रीशन को रेगुलेट करने में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल सिक्रीशन को कम करने में ये बहुत हेल्प करता है, और अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया आपकी स्किन में तो उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस 100 ग्राम की क्वांटिटी आपको मिल जाती है 349 रुपीज़ में, एंड इसमें आपको मिलता है 2 ईयर्स का शेल्फ लाइफ आपको मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये जो स्क्रब है इसका कलर कुछ ग्रेश टाइप का है, एंड इसके जो बीड्स है बहुत ही छोटे हैं, माइन्यूट है। वॉलनट बीड इन्होंने यूज़ किया है अपने स्क्रब में। सो एज यू कैन सी यहाँ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रब करके दिखाऊंगी एंड आपको लाइव रिजल्ट्स में दिखाऊंगी कि ये कितना रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो मैंने अच्छे से ये नोज़ एरिया को मैंने पहले वेट कर लिया है एंड देन अप्लाइंग दी स्क्रब। सो इसको आपको स्क्रब करना है फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। सो मैंने अभी स्क्रब को अच्छे से रिमूव कर लिया है, इसे वॉश कर लिया है, एंड आई कैन से कि बहुत हद तक जो ब्लैक हेड्स है वो नोज से रिमूव हो गए हैं। स्टिल आई कैन सी सम, बट बहुत हद तक रिमूव हो गया है। गाइज आप जब भी स्क्रब कर रहे हो मेक श्योर कि आप अपने स्किन को पहले वेट कर लो। आप कहीं भी स्क्रब करो, अपने फेस पे स्क्रब करो या बॉडी पार्ट्स पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे
आप स्क्रब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसे वेट कर लो, बिकॉज जो ये वीट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं एंड वो आपकी स्किन को और भी उसका टेक्सचर ख़राब कर देते हैं. सो मेक श्योर कि आप हमेशा जब भी स्क्रब करते हो तो आप वेट कर लो अपने फेस को, ताकि जो स्क्रब है वो ईजिली ग्लाइड हो सके, उसका एप्लीकेशन और भी ज़्यादा ईजिली हो सके आपकी स्किन पर. सो गाइज, वॉट आई रियली लाइक अबाउट दिस फेस स्क्रब, द चारकोल फेस स्क्रब, तो जब मैंने फर्स्ट इसे यूज़ किया था तो 75, आप नहीं मानोगे बट 75% ऑफ जितने भी मेरे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स है सब मेरे रिमूव हो गए यहाँ से. एंड जितना भी ऑयल था, जितना भी डर्ट था, डेड स्किन थे मेरे स्किन पे, सब के सब रिमूव हो गए. एंड आफ्टर स्क्रबिंग एक ग्लो था मेरे फेस पे. प्लस एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रब की, जो है इसका बीड्स, जो वॉलनट बीड्स इन्होंने यूज़ किया है, पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं. ऐसा नहीं है कि आप स्क्रब कर रहे हो तो इरिटेशन हो या फिर आपका स्किन रेड हो जाए, बहुत ही माइन्यूट है. एंड द स्क्रब इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फेस स्क्रब जो मुझे लगी इज आफ्टर स्क्रबिंग मोस्ट ऑफ द स्क्रब उसके बाद आपकी स्किन जो है खिचखिची लगने लगती है, रेड हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्क्रब करने के बाद. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इट वाज लाइक मैंने स्क्रब करने के बाद इट वाज लाइक अ लेयर ऑफ मॉइस्चर स्टिल देयर ऑन योर स्किन जो आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड सपल करती है. सो दिस वाज द बेस्ट थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस चारकोल फेस स्क्रब. तो येस, आई विल हाईली रिकमेंड दिस फेस स्क्रब टू दोज पीपल. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ 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 ग्लो गो फॉर इट, बिकॉज जो नियासिनामाइड है एंड काओलिन है एंड टी ट्री ऑयल इन्होंने यूज़ किया, तीनों की तीनों इंग्रेडिएंट्स वर्क्स रियली 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 गुड ऑन ऑयली स्किन. ये हेल्प करता है आपकी स्किन से, आपके ऑयली स्किन से जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. प्लस हेल्प करता है कि आगे जितना भी ऑयल सिक्रीशन है वो कम हो. प्लस आपके पिंपल्स जो अगर बहुत ज़्यादा अगर पिंपल्स आपको हो रहे हैं उसको कम करने में हेल्प करता है. बट आई विल सजेस्ट कि आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एक्ने होती है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा यूज़ ना करें, फ्रिक्वेंटली मत यूज़ करो. बट अगर आपको पिंपल्स होती है देन इट्स ओके. थोड़ा बहुत अगर आपको पिंपल्स है देन यू कैन यूज़ दिस फेस स्क्रब. बट अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव एक्ने हैं बहुत ज़्यादा है तो आप इसे यूज़ मत करो. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.